नमस्कार, मैं विशाल मेहरा, नगर अध्यक्ष, प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल, समस्त काशीवासी एक देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये कामना करता हूं कि आगामी नववर्ष सबका प्रेम भाव सौहार्द की भावना बनी रहे। हाँ, अपना परिचय बताएं। मैं सौरभ कुमार राय संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से शोध का विद्यार्थी हूँ। आज हम लोगों ने नामांकन किया। किस तरह से नामांकन किया और क्या कितने बच्चे इस नामांकन में थे? नामांकन में तो बहुत यहाँ के जितने भी छात्र दावेदारी किए हैं और अध्यक्ष के लिए, महामंत्री के लिए, पुस्तकालय मंत्री के लिए, संकाय प्रतिनिधि के लिए, उपाध्यक्ष के लिए, हमने भी उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री के लिए नामांकन किया है। किसको नामांकन पत्र दिया आपने? नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी को हम लोग सौंपे हैं। कई तारीख को यहाँ पे इलेक्शन है? 8 तारीख को निर्वाचन है। क्या सोच करके आपने उपाध्यक्ष की पदवी के लिए नामांकन किया है? देखिये, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृति और सनातन धर्म परंपरा चली आ रही है। हम लोग का मोटो है श्रुतम में गोपाय है। मेरी शिक्षा रक्षा के काम है, जिसका प्रमाण और जिसको धरातल पर उतारने का काम है यहाँ के पूर्व छात्र और हम लोग के सम्मानित, हम लोग के अग्रज, हम लोग के बड़े भाई कहिए चंद्रशेखर आजाद जी ने कर चुका है। उन्होंने मेरे सिस्टम में गोपाल का सही से परिपालन किया, सिस्टम में गोपाल का परिपालन बहुत बढ़िया से किया है। और इस विश्वविद्यालय 1817-91 में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और 1894 ईस्वी में सरस्वती ग्रंथालय की स्थापना हुई, जिसमें हजारों पांडुलिपियां संरक्षित हैं, जिसका गिनीज बुक में भी नाम है। उन पांडुलिपियों को पढ़ने वाला कोई नहीं है, उस पर शोध करने वाला नहीं है। और ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। जब यह विश्वविद्यालय सिर्फ महाविद्यालय था तो उस समय यह नेपाल से भी संबद्ध महाविद्यालय थे। जब यह महाविद्यालय भी नहीं बना था, सिर्फ विद्यालय था। 22 मार्च 1958 ईस्वी में संपूर्णानंद जी के कर्मों से, उनके प्रयासों से यह विश्वविद्यालय हुआ और 1974 ईस्वी में संपूर्णानंद जी के नाम से विश्वविद्यालय के नाम पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय जो सबसे पुरातन है, 1857 की क्रांति से पहले की स्थापना हुई है और हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन इस विश्वविद्यालय की स्थिति आप देख सकते हैं कि इसको नजरअंदाज करके हिंदुस्तान में इसको दरकिनार करते हुए सर्वविद्या की राजधानी काशी में तमाम विश्वविद्यालयों को स्थापना कर दी गई, जिसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का भी दर्जा दिया गया और वहीं संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय को हिंदी दृष्टि से देखा गया। इसका मूल कारण यह है कि लोग संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय को और संस्कृत को सिर्फ इतना समझते हैं कि यह सिर्फ कर्मकांड और ज्योतिष है, लेकिन उनको पता नहीं कि यहाँ वेदों की पढ़ाई होती है, उनको पता नहीं कि यहाँ धर्म विज्ञान और संस्कार भी पढ़ाया जाता है। वो सिर्फ कर्मकांड और ज्योतिष को ही समझते हैं, पूजा पाठ को ही, संपूर्ण संस्कृत को समझते हैं। उनको हम लोग बताना चाहते हैं, अगर मैं चुनाव विजय हुआ तो मैं पूरे देश से नौजवानों का आह्वान करूंगा और संसद भवन घेरने का काम करूंगा। उनको बताऊंगा कि संस्कृत सिर्फ कर्मकांड ही नहीं है, संस्कृत चार वेदों की पढ़ाई भी होती है, संस्कृत संस्कार सिखाती है। नमस्कार।